नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक गांव है गंजीहली। कुरनूल जिले के गोनगंडला मंडल के 1100 परिवारों वाले गंजीहली गांव में 4750 लोग रहते हैं। यहां 120 गाय और 20 भैंस हैं। इनके मालिक हर रोज करीब 1000 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं, मगर इसमें सबसे खास बात यह है कि निकाला जाने वाला दूध डेयरी पर या लोगों को बेचा नहीं जाता, बल्कि यहाँ दूध बगैर किसी भुगतान के दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीणों में ये रिवाज कई दशकों से चला आ रहा है। दोस्तों, बताया जाता है कि करीब 4 दशक पहले गांव में एक बड़े साहब रहते थे। यहाँ उनके नाम की एक दरगाह भी है। बड़े साहब को गाँव के नागी रेड्डी से मुफ्त में दूध मिलता था। एक बार उनके बेटे हुसैन साहब हाथ में कटोरा लेकर रेड्डी के घर पर दूध लेने के लिए गए, लेकिन गाय की मौत होने के चलते उन्हें दूध नहीं मिला। इस बात की जानकारी जब उन्हें लगी तो बड़े साहब ने हुसैन साहब को गांव के किसी और अन्य घर से दूध लाने के लिए कहा, मगर उस दौरान उन्हें किसी भी घर से दूध नहीं मिला। दोस्तों, जब इसे कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने नागी रेड्डी की मृत गाय को एक जीवनदान दिया। उन्होंने कहा था कि गाँव वालों को दूध बेचना या खरीदना नहीं चाहिए और इसे सभी लोगों को मुफ्त में देना चाहिए। उन्होंने शराब दिया कि जो परिवार इस सलाह को नहीं मानेंगे वे बर्बाद हो जाएंगे। बड़े साहब ने यह भी कहा कि किसी को भी गाय को नहीं मारना चाहिए और ना ही उन्हें खाने का नुकसान करना चाहिए। एक न्यूज साइट से ली गई जानकारी के मुताबिक कुछ गांव वालों का कहना है कि जिन परिवारों ने इन नियमों का पालन नहीं किया वे आर्थिक रूप से टूट गए। इस नियम को गांव का हर परिवार मानता है। गांव में होटल हो या चाय हो, किसी भी दुकान वाले को कारोबार के लिए दूसरे गांव से ही दूध खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक दिल्ली के बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्टोरी आप लोगों को दिखाई थी। इस कोरोना काल में बाबा का ढाबा जो फर्श से अर्श तक पहुंच गया था, वो आज की डेट में वापस अर्श से फर्श पर आ गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।